नमस्कार, मैं चित्रकार रामू रामदेव आपका रंगरीत की ऑनलाइन क्लासेस में स्वागत करता हूं। आज हम कांगड़ा शैली के बारे में बात करेंगे, उनकी खूबियों के बारे में चर्चा करेंगे। आपके सामने ये जो पेंटिंग है, इसमें कलाकार ने जो बादल बनाए हैं, शाम का दृश्य जो दर्शाया है उसमें आसमान में जो कुर्जियाँ उठ रही है और ढलावदार जो पहाड़ियाँ हैं, पहाड़ियों पर भी छोटे छोटे फिगर को उन्होंने दर्शाया है, बनाया है, जो कि कलाकार की एक डिस्टेंस को मेंटेन करते हुए इस पेंटिंग में अपनी श्रेष्ठ कल्पनाओं को साकार किया है। इस पेंटिंग में, बिल्डिंग में जो सॉफ्टनेस है वो बहुत सुंदर है। इसके साथ ही कलाकारों ने बैकग्राउंड में भी अपना विशेष कलम का योगदान दिया है। यहाँ आप देखेंगे तो विभिन्न प्रकार के इसमें वृक्ष आपको नज़र आएंगे। वृक्ष में आप देखेंगे लताएं हैं, लताएं पुष्प विभिन्न रंगों से एकदम भरी हुई है और पेड़ों पर पक्षी आपको नज़र आएंगे और ग्रीन कलर का जो प्रयोग हुआ है वो बहुत ही सुंदर तरीके से कलाकार ने दर्शाया है और जो कपड़ों में सब में कलर स्कीम है वो भी बहुत अच्छी है। ये महान कलाकार हैं कांगड़ा शैली के, गुलेर शैली के, पहाड़ी शैली के, दाता भरतू, हसनू के लड़के सेहू थे, उनके दो पुत्र थे माणक और नैनचुक। इन्होंने इस कला को बहुत आगे बढ़ाया। मनकू और नैनसुक द्वारा कांगड़ा शैली में जो कार्य किया गया, आज वो भारतीय पारंपरिक चित्रकला का पूरी दुनिया में नेतृत्व करता है। और ये सभी जो कलाकार के आप चित्र देख रहे हैं वो इन्हीं के आगे के वंशज हैं। फलतु है, कुशला है, कामा है, गोंदू है, ये सारे के सारी वंशावली चित्रकारों की है। ये चित्र किस तरह से बनाया करते थे ये भी हम आपको इस चित्र में बता रहे हैं कि कलाकार किस रूप में किस तरह से बैठ करके भित्ति चित्र वहाँ बनाया करता था, वो आप इसमें अच्छे से देख सकते हैं। तो कलाकार के काम करने के तरीके भी हम इन चित्रों के माध्यम से समझ सकते हैं। इसमें कलाकार ने ऐनक भी लगाया हुआ है, इसका मतलब कांगड़ा शैली में जो बारीकी से काम किया गया वो अपने आप में एक श्रेष्ठ कला का उदाहरण है। इस चित्र में नृत्यांगना पूरे म्यूजिशियंस के साथ में है और अपने भाव भंगिमाओं के साथ जो चित्र कलाकार की कल्पना को इसमें साकार किया है वो एक बहुत सुंदर तरीके से उन्होंने बनाया है। इस बिल्डिंग में आप देख सकते हैं छत के अंदर, फिर उसके बाद रूम के अंदर के भी दृश्य आप इसमें देख सकते हैं। ये दृश्य देखने से ऐसा लगता है कि ये गर्मियों के समय का दृश्य होगा और ये खुला वातावरण जहाँ पशु पक्षी और जितने भी जो गोपी हैं, ग्वाल बाल हैं, वो इसमें क्रीड़ाएँ कर रहे हैं। तो ये एक पूरा विहंगम दृश्य कलाकार ने चित्रित किया है। कांगड़ा की अनेक खूबियों में खास बात ये कि हर वृक्ष को बड़े सहज रूप से उन्होंने बनाया है, चाहे वो आम का पेड़ हो, कदम का पेड़ हो, शीशम का पेड़ हो, केलों का पेड़ हो, बड़ी प्रमुखता से बनाया है। ये कलाकार की ड्राइंग है जो लाइन करने के साथ साथ कहाँ कौन सा कलर का प्रयोग चित्रकार करता है उस पर हल्का हल्का सा पानी से कलर लगा देता है। कलाकार अपनी कल्पना के सहारे ही बहुत बड़े बड़े चित्रण करता है और ये बिल्डिंग का एक तरह से हम ये कैसे विहंगम दृश्य कलाकार की कल्पनाओं को साकार करता है। इसके साथ ग्रामीण परिवेश के दृश्य हों या और किसी तरह के दृश्य जिसमें फाइन लाइन का प्रयोग चित्रकार ने किया है। कांगड़ा शैली को दुनिया में पहुंचाने में अनेक विद्वानों का सहयोग रहा है, उनमें B.N. गोस्वामी जी ने विशेष शोध और रिसर्च किया है। आप चंडीगढ़ यूनिवर्सिटी में प्रोफेसर हैं
और मेरी मुलाकात आपसे सिटी पैलेस संग्रहालय में हुई थी, और आपने नैन सुख पर जो किताब लिखी उनके बारे में भी हमने बहुत चर्चा की, और आपने ये भी बताया कि किस तरह से ये हरिद्वार गए और वहाँ पर नैन सुख के कुछ दस्तावेज इन्हें मिले थे, उनके बारे में आपने मुझे बताया था। ये किताब आपको कांगड़ा के बारे में बहुत सी ज्ञान बढ़ाने का काम करेगी। कांगड़ा शैली में जो कलर की सॉफ्टनेस है, जो फ्लैटनेस है, वो देखते ही बनती हैं, चाहे बिल्डिंग वर्क हो या बैकग्राउंड, भगवान राम के चित्र हों, उनसे गीत गोविंद के चित्र हों, दुर्गा सप्तशती के चित्र हों, वो सब के सब आप कांगड़ा शैली में देख सकते हैं। गीत गोविंद पर जयदेव की जो कालजयी कृति है, उन पर कांगड़ा के कलाकारों ने बहुत से चित्र बनाए हैं। उनमें से एक ये है, भगवान की लीलाओं पर आधारित अनेक चित्र बने हैं, जैसे गोवर्धन को भगवान कृष्ण ने अपनी उंगली पर धारण किया था, उसको आप देख सकते हैं। सबके एक्सप्रेशन आप देखिए, कलर स्कीम देखिए, ऊपर मोर है तो नीचे गायों को किस तरह से संरक्षण दिया है, ये कलाकार की कल्पना है। कालिया मर्दन लीला के बारे में भी चित्रकार ने अपनी कल्पनाओं को जो उड़ान दिए, देखिए आप यमुना का दृश्य किस तरह से दिखाया है, और कालिया मर्दन भगवान श्री कृष्ण इसमें करते हुए, और पूरे गांव के लोग चारों तरफ भगवान कृष्ण को निहारते हुए हैं, और ये दृश्य एक है जो मुझे लगता है कि ये एक गांव से दूसरे गांव जाने का है। इस चित्र में मुगल इफ़ेक्ट आपको बहुत सा देखने को मिलेगा, जिसमें डार्क शेड का प्रयोग ज़्यादा किया हुआ है, और जो लाइट है वहाँ आग लग रही है, वहाँ पर एकदम लाइट चित्र बनाया है। ये रात का दृश्य चित्रकार ने बनाया है, फोटोग्राफी का इफ़ेक्ट देने के हिसाब से कलाकार ने ये चित्र बनाया है, जिसमें आप देख सकते हैं छाया प्रकाश किस तरह से इसमें दर्शाया हुआ है। और ये रात का सीन एक और आपके सामने है, जिसमें पूरे बैकग्राउंड को डार्क दिखाया है, और राधा कृष्ण के जो कलर का प्रयोग किया हुआ है वो एकदम लाइट कलर का प्रयोग कर कलाकार ने उनको प्रमुखता दी है। ये नदी में उफान है, इसमें नाव है, उसमें लोग बैठे हुए हैं, और इसकी जो बड़े बड़े लहरों से बचने की कोशिश कर रहे हैं। ये एक सुंदर बर्फ से लदा हुआ पर्वत है, और ग्रीनरी भी इसमें आप देख सकते हैं। इनसे प्रभावित होकर मैंने भी बहुत से चित्र बनाए। ये चित्र मैंने आज से 30 साल पहले बनाया था, जिसकी जो कंपोजिशन है ये मैंने एक पेंटिंग की रेप्लिका बनाई थी, थोड़े से बदलाव के साथ में। ये आप देखिए सुंदर लोटस हैं और इस तरह के, और ये भी कांगड़ा से प्रेरित होकर मैंने अपना कंपोजिशन किया था, जो शाह कलम की तरह इसको मैंने कंप्लीट किया है। कांगड़ा में अनेक प्रकार के पेड़ बनाए गए, जिसकी हम अलग अलग तरह से हम स्टडी करते हैं, जैसे आम का पेड़ है, ये जैसे डॉट लगा कर किस तरह से एक पेड़ बनाया हुआ है डॉट का प्रयोग करते हुए, और इसके साथ ही हमने अनेक प्रकार के पेड़ बनाए, जैसे कदम का पेड़ है, शीशम का पेड़ है, और इन पेड़ों को बनाने में विशेषता, जैसे हेमंत रामदेव हैं, मेरे छोटे ब्रदर श्यामू रामदेव हैं, इन्होंने ये पेड़ बनाए हैं, कुछ पेड़ मेरे बनाए हुए हैं। इस तरह से हम कांगड़ा की एक एक खूबी को समझने के लिए, उसकी आत्मा तक पहुंचने के लिए बारीक से बारीक उनका हम रेखांकन करते हैं। ये मैंने लाइन ड्राइंग की हुई है केले के पेड़ की, और इसी तरह से जैसे कमल है, तो कांगड़ा शैली में बहुत सुंदर से कमल का चित्रण हुआ है, और उसमें बहुत सुंदर लाइनिंग हुई है। इसी तरह से आँखों को किस किस रूप में बनाया जाता है, ये है शंख है, कैरी, ये जो बिदाम है, कमल है, मछली है, धनुष है, इनका भी प्रयोग किया जाता है। और हाथों की जो मुद्राएं हैं, अलग अलग प्रकार की ये जो मुद्राएं आप देख सकते हैं, जिनका प्रयोग हम कांगड़ा शैली में जब चित्र बनाएंगे तब हम करेंगे। तो कांगड़ा शैली में ये जैसे बहुत सारी पेंटिंग्स आपने देखी है, इनमें से ही इन हाथों को देखा और उनकी स्टडी की और मैंने बनाया है। इसकी वजह यह है कि भाव, जो हाथों की मुद्राएं हैं, भाव भंगिमाएं हैं, उनको
अच्छे से हम देखें, समझें, स्टडी करें और फिर बनाएं, तो मुझे लगता है कि हम बहुत अच्छा काम कर सकते हैं। किसी भी चित्र को बनाने में उसको 7 भागों में बांटा जाता है। जैसे कि ये देखिए, आप मैंने गोले गोले करके इस तरह से पूरा एक फिगर को ड्रॉ किया हुआ है। ये बसोली का मेरा कंपोजिशन किया हुआ है, एग्जैक्ट कॉपी तो नहीं है लेकिन उनसे थोड़ा सा प्रेरणा लेके मैंने बनाया है। ये मेरे छोटे ब्रदर हेमंत रामदेव ने कांगड़ा शैली की अभी हाल ही में ये पेंटिंग बनाई है। ये सुंदर बादल, बादलों में पक्षी उड़ रहे हैं, बिजलियाँ कड़कड़ा रही हैं और केले के और आम के, शीशम के पेड़ आप देख सकते हैं। ये बादलों का सुंदर चित्रण किया हुआ है। तो ये कांगड़ा की खास बात है, ये खूबी है कि सहजता से हम जो चित्र बनाएं उसमें एक आत्मसंतुष्टि मिलती है। तो ये सारे चित्र बहुत ही आत्मा को शांति देने वाले हैं। ये हमारे मित्र विजय शर्मा हैं जिन्होंने किताब लिखी है और मैं जब चंबा गया था तो इनके घर पर हम रुके थे और इन्होंने भी कांगड़ा शैली पे बहुत शोध रिसर्च किया है। आप सब लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद।